फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GKGS Queen। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए खान GS रिसर्च सेंटर, आप यहां पर देख सकते हैं, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बिहार SI एंड BPSC का लेकर आई हूं, जो क्वालिटी का टेस्ट सीरीज है सिंस 2008 to 2020, यानी 2008 से 2020 तक अब तक एग्जाम में जितने भी पॉलिटी से क्वेश्चन अराइज किए गए हैं, तो उसका यह टेस्ट सीरीज है। तो चलिए यह टेस्ट सीरीज को लगाते हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 25 तक मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार SI कैंडिडेट के लेटेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर 2021 के घटना चक्र, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, बिहार SI एंड बिहार ESI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं, जो कि 25 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। 26 है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो देखिए, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की बात करते हैं अपर हाउस में, तो वह हो जाता है ऑप्शन सी इज करेक्ट 250, जिसमें से 238 मेंबर जो होते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं, तथा 12 मेंबर को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो जनरली साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में अपना एक स्पेशल पोजिशन बनाए हुए रहते हैं। तो उन 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो पूरा मिलाकर कितना हो गया 250। बट अगर आपसे एग्जाम में राज्यसभा ना पूछकर लोकसभा पूछते, तब उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 552, यानी लोकसभा जो लोअर हाउस होती है उसका कुल मेंबर का जो नंबर रहता है वो होता है 552। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन को गलत लिखा गया है। तो अगर आपको इसका आंसर प्रोवाइड होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के जरिए जरूर बतलाइएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो क्वेश्चन होना चाहिए वह होना चाहिए कि भारत में राष्ट्रपति ना होकर राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। तब इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, ऑप्शन ए पार्लियामेंट के, क्योंकि देखिए पार्टिकुलर लोकसभा या पार्टिकुलर अकेला राज्यसभा से इनका चुनाव नहीं किया जाता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदनों के सदस्य मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अकॉर्डिंग एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पार्लियामेंट, चूँकि इसमें अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों के मेंबर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है कि मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या होती है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन अच्छा से समझिएगा, ये अतिरिक्त पूछ रहा है। अगर टोटल नंबर की बात करते हैं तो टोटल नंबर जो होता है वो चीफ जस्टिस को लेकर 34 होते हैं, जिसमें पहले तो चीफ जस्टिस हो जाते हैं और 33 अन्य जस्टिस होते हैं। तो यहाँ पर अलावा पूछ रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी 33, बट टोटल पूछेगा तो 34। और प्रेजेंट टाइम में अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें तो उनका नाम है NV रमन्ना। नेक्स्ट है कि भारत क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए हिंदू राष्ट्र तो पार्टिकुलर भारत है नहीं, यहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। हिंदू मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम के अलावा भी सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध रहते हैं। अब बचा ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन ए है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज कर ऑप्शन ए को करेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि भारतीय संविधान स्पेशली प्रस्तावना में कहीं पर भी धार्मिक वर्ड का यूज नहीं किया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं बल्कि पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं,
ऑप्शन डी लोकसभा के। देखिए लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव किया जाता है ना, वो लोकसभा के सदस्य मिलकर ही आपस में अपने एक लीडर को के तौर पर लोकसभा स्पीकर का चुनाव कर लेते हैं। अगर निम्न हाउस की बात करते हैं यानी लोअर हाउस की बात करते हैं लोकसभा की, तो इसका वर्णन आर्टिकल 81 में दिया गया है। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, स्पेशली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आर्टिकल को आप स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। ऑप्शन सी पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के। देखिए आर्टिकल 55 के तहत ना प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। यानी सिंपल लैंग्वेज की अगर बात करें तो इसमें भारत के दोनों सदन यानी अपर हाउस और लोअर हाउस साथ ही विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि मनोनयन स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभा के। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि पंचायती राज लागू किया गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। और पहली बार जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि उपचुनाव कराया जाता है। देखिए उपचुनाव का कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कभी भी हो जाएगा। जनरली अगर किसी सिचुएशन में मुख्य चुनाव जो होते हैं वे नहीं हो पाती है किसी भी कंडीशन में, तब उसके बाद उपचुनाव करवाया जाता है। मोस्ट ऑफ द केस में यह अब लंबी के मरने या फिर इस्तीफा देने के बाद होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देख सकते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। ऑप्शन ए कुल 4 राज्यों में, मिनिमम यहाँ पर नंबर बोल रहे स्टेट की 4 राज्य, 4 राज्य से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट 4 राज्य से कम नहीं होंगे। इसी मान्यता की सहायते से राजनीतिक दल कुछ पहचानों पर अपनी स्थिति की अगली समीक्षा तक विशिष्ट स्वामित्व का दावा कर सकते हैं, जैसे कि पार्टी का चिन्ह क्या डिसाइड होना है, तो इसी प्रकार से इसका दावा किया जाता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है और यह जो प्रक्रिया है कंटिन्यू 1948 ईस्वी से हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 44वां। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है फ्रेंड, आप नोट कर सकते हैं, अच्छा से प्रिंट उभर कर नहीं आया है, 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ए तथा सी करेक्ट है। ए है कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, क्योंकि लोकतंत्र में जो अगर असली शक्ति किसी को प्राप्त है तो वो लोगों को ही है, जनता को ही है, तो ए तो सही हो जाएगा। सी भी सही होगा कि प्रत्येक मत यानी प्रत्येक वोट का जो मूल्य होता है ना वो एक ही होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है, बी कह रहा है कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताधीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती कि नहीं, तो जनरली सत्ताधीन लोग होते हैं ना उनके हारने की नहीं बल्कि जीतने की जो संभावना होती है, प्रिडिक्शन होती है, वो ज्यादा होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट है कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तब तक नियम कानून बन पाता है जब तक उसे निम्नलिखित में से किससे पास ना किया हो। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, अगर पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा दोनों से कोई बिल कोई विधेयक अगर पास कर दिया जाता है तो जब तक अगर राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर नहीं करते हैं, राष्ट्रपति अपने पास से पास नहीं करते हैं, तब तक वो मतलब पास नहीं समझा जाएगा। तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट है 39 का। नेक्स्ट है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम यानी गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है।
ऑप्शन बी 1/10 पार्ट, जब तक कि राज्यसभा या लोकसभा के 1/10 मेंबर उपस्थित नहीं होंगे तब तक वो जो राज्यसभा का सत्र है वो आहूत नहीं किया जाएगा, यानी शुरुआत नहीं होगी उसकी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, भाग 4। अगर आर्टिकल की बात करें तो ये 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, और नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है, और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया गया था संविधान सभा के द्वारा तब उन्होंने 8 अनुसूची का निर्माण किया था, बट प्रेजेंट टाइम में कितना है, 12 है। और ये 8वीं अनुसूची जो भाषाएं से रिलेटेड है ना, इसमें कुल मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। तो जितना भी पॉइंट है आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? ऑप्शन सी कुल 12 वर्ष तक, फ्रॉम 1950 to 1962। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है किसको पत्र लिखकर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, राष्ट्रपति को, और इसका वर्णन आर्टिकल 124 में वर्णित है। नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो देखिए, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था तो उस समय मौलिक कर्तव्य उसमें इंक्लूड नहीं थे। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा यानी उनके कहने पर, उनकी प्रेरणा से, उनके प्रयासों के फलस्वरूप ऐसा इनको ऐड किया गया। और इसका जो वर्णन है ना वो भाग 4 के काम में है। अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल हो जाएगा 51 का या फिर 51 का ए, आप जो भी कह दीजिए। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या प्रेजेंट टाइम में 11 है, और ये 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ये कई एक बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, बट संविधान सभा ने इसे एक्सेप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा की जब पहली बैठक का आयोजन किया गया 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में, तो उस समय जो पहले अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बट ये काफ़ी बुजुर्ग थे, एजेड थे, जिसकी वजह से इन्हें हटा दिया गया। और जब दूसरा बैठक उसके जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया तो अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चयन कर लिया जाता है। बट एग्जाम में अगर पहला अध्यक्ष पूछेगा तब सच्चिदानंद सिन्हा ही हो जाएंगे, अगर पहले अस्थाई पूछेगा तब भी सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थाई पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद, बट अगर पूरा मिलाकर सिर्फ पहला पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा ही होंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन सी अधिगृहित संपत्ति जरूरी नहीं है भारत के सिटीजनशिप के लिए, वंशानुग्रम बिल्कुल जरूरी है, जन्म भी, और देशीयकरण की अगर बात करते हैं ना तो जब किसी विदेशी का देशीयकरण के लिए आवेदन पत्र यानी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट जब इसे मंजूरी दे देती है तब वो विदेशी नागरिक भी भारत का नागरिक बन जाता है देशीयकरण के जरिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, चूँकि 51 हम लोग अगले सेट में प्रोवाइड करेंगे, अगले वीडियो में, तो 50 है कि लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके सौंपता है? तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष किसे सौंपता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।